उधर बड़ी खबर आई अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा में एक बार फिर सेंध लगी। अचानक एक गाड़ी व्हाइट हाउस के गेट से जाकर टकरा गई। ये घटना व्हाइट हाउस के बाहरी हिस्से में हुई। टक्कर मारने वाली गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे पूछताछ चल रही है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली सीक्रेट सर्विस ने ड्राइवर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। सीक्रेट सर्विस ये पता लगा रही है कि यह हादसा था या साजिश, क्योंकि पिछले महीने भी बाइडेन के काफिले की एक गाड़ी को एक अनजान गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। उसके बाद व्हाइट हाउस के गेट से गाड़ी टकरा गई और व्हाइट हाउस के पूर्वोत्तर दिशा के गेट पर हड़कंप मच गया। घटना बड़ी थी। गेट से टकराने वाली गाड़ी वहीं खड़ी थी। गाड़ी के सारे दरवाजे खुले थे। सुरक्षाकर्मी इस गाड़ी का मुआयना करते दिखे। व्हाइट हाउस के गेट से टकराने के बाद गाड़ी लंबे समय तक वहीं खड़ी रही। कई सुरक्षाकर्मी आए और उसे देखकर चले गए, क्योंकि गाड़ी चलाने वाले को हादसे के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया और उससे पूछताछ शुरू हो गई। लेकिन सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने पूछताछ से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी और व्हाइट हाउस के बाहर चहलकदमी होती रही। इतने में पुलिस की एक गाड़ी वहां पहुंच गई और जांच में तेजी आई। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा करने वाली सीक्रेट सर्विस ने गाड़ी के ड्राइवर पर कोई केस दर्ज नहीं किया। ड्राइवर का नाम भी नहीं बताया गया। और अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली सीक्रेट सर्विस ने केवल इस घटना का समय बताया। जानकारी दी गई कि गाड़ी व्हाइट हाउस की पूर्वोत्तर दिशा के गेट से शाम के करीब 6 बजे टकराई और टक्कर के बाद गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। ये भी बताया गया कि घटना के वक्त बाइडेन व्हाइट हाउस के अंदर नहीं थे, लेकिन व्हाइट हाउस के गेट से गाड़ी का टकराना कोई मामूली बात तो है नहीं, इसलिए इस बात की जांच शुरू हो गई कि कहीं इस टक्कर के पीछे कोई साजिश तो नहीं थी। क्योंकि पिछले ही महीने बाइडेन के काफिले की गाड़ी से एक गाड़ी टकरा गई थी। इसके अलावा पिछले साल 19 साल के एक शख्स ने व्हाइट हाउस के पास लगे बैरियर पर ट्रक से टक्कर मार दी थी। पूछताछ में उसने बताया था कि वो बाइडेन को मारना चाहता था और इसके लिए उसने पूरे 6 महीने तक प्लानिंग की थी।